गाइज मैं आपका कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लूंगा कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर 2024 25 रिलीज हो चुका है मतलब आपके बैच के लिए इंग्लिश का और बाकी सारे सब्जेक्ट का लेकिन मैंने इंग्लिश का बैठ के एनालाइज कर लिया है एंड गाइज पैटर्न चेंज हो चुका है इफ़ यू कैन सी माई स्क्रीन यू नो कि यहाँ पे ट्वेंटी ट्वेंटी का पेपर है मैंने उसको कंपेयर किया है इससे एंड लेट मी जस्ट गो ओवर द मेजर चेंजेस सबसे पहली बात रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का लेवल बड़ा है इस बार आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी टेक्स्टुअल एविडेंस वाले क्वेश्चन मिलेंगे अनलॉजी वाले क्वेश्चन बढ़ गए

वे इजियर टू मी ठीक है हम पहले देख सकते हैं कि देर वर टफ क्वेश्चन बट इस बार इसकी प्रॉबिलिटी इस बार इसकी अक्रेंस ज़्यादा बढ़ गई है सो डेफिनेटली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में देख लेते हैं तो इसमें कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है लेवल सेम रखा गया है एंड मोर इंपॉर्टेंटली

पांच नंबर के इसमें क्या होता था स्टार्टिंग से तो इसमें you know, आ रहे थे, हमें आपको दो चीजें लेनी होती थी चैप्टर्स से या फिर आपको एक चैप्टर को एनालाइज करके डायरी एंट्री लिखनी होती थी डिबेट लिखनी होती थी स्पीच लिखनी होती थी दैट हैज बीन इरेज इन दिस क्वेश्चन पेपर देर इज एप्सल्यूटली नो मेंशन ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ नॉर्मल टेक्स्टल एविडेंस वाले बेसिकली जैसे आपके फोर मार्कर्स आते हैं जैसे आपके टू मार्कर्स आते हैं बिल्कुल वैसे तरीके से ही आपके इस बार लॉन्ग आंसर्स आने वाले हैं सो so, लग रहा है कि इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे बिकॉज सैंपल क्वेश्चन पेपर में वो प्रेजेंट नहीं है तो यूजुअली हम ट्रस्ट कर सकते हैं और मैं कहूंगा कि आप ट्रस्ट करो लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को मोर और लेस प्रैक्टिस करते रहिए वी डोंट नो इफ देल पुट इट ऑन नॉट नाइनटी प्रोबेबिलिटी है कि वो नहीं पुट करेंगे सो so ये मेजर चेंजेस हैं गाइज इंग्लिश के पैटर्न चेंज हो चुका है आई डोंट नो इफ दिस इज गुड न्यूज़ और बैड न्यूज सर्टनली कई लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे एंड कई लोगों को रीडिंग कॉम्पिनेशन बहुत आसान लगती थी लेकिन इस बार लग रहा है कि सी इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए सी बी एस ई इज गोइंट टू टेस्ट द वॉटर्स एंड दे गोट ट्रेन यू बाई द वे अगर आप इंग्लिश में अच्छे नंबर लाना चाहते हो ग्रांड एक्ट से बेटर कोई चैनल नहीं है मुझसे बेटर कोई टीचर नहीं है तो अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेक श्योर दट यू शेयर विथ यू फ्रेंड्स बिकॉज अगर उन्हें पता चल गया उनके नंबर भी बढ़ जाएंगे अगर आप चाहते हो कि उनके नंबर बढ़े और आपके नंबर बढ़े बिकॉज वल वॉन्ट टू बी लिविंग इन अ वेरी हैप्पी हेल्थी एंड कम्युनिटी वेज फैशन बिकॉज हम चाहते हैं कि सबके अच्छे नंबर आए आई डो नो इफ यू फील दैट व आई मे बूजर्स थिंग तुम्हारा नंबर अच्छा होना चाहिए बट इन दैट केस सब्सक्राइब एंड मेक श्योर दैट यू फॉलो ग्रांड एड वोस्ट द बेस्ट कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब वी हैव द बेस्ट English courses. If you want to join our English course, link is in the description. And all right, till next time, keep winning, you champions!